मैंने निशात लीलन का एक सूट लिया है जो 2 पीस का था, उनके आस्तीन पे एम्ब्रॉयडरी हुई है और बाकी प्रिंटेड है। ये मैंने 2 सूट लिए हैं, इनको यूटिलाइज, एक का पूरा सूट बनाया है और दूसरे का मैंने शर्ट और शलवार दोनों यूटिलाइज करके अलग अलग बनाए। अभी मैं आपको इनकी डिटेल अलग अलग बता रही हूँ। मैंने इसका गोल गला बनाया है और इसी कपड़े की पट्टी बनाई है जो कुर्ते में लगती है, वही पट्टी बनाई है ब्लैक कलर में। और बॉर्डर का कपड़ा लेके, ये बॉर्डर का कपड़ा था साइड पे जो मैंने लेके फ्रिल बनाई है इसकी, और ये एंटीक बटन लगाए हैं। आजकल इसका बहुत ज्यादा फैशन है और बहुत चल रहे हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये इस सूट के आस्तीन है जिसपे पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये पूरे आस्तीन पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये देखें। ये बॉर्डर का कपड़ा लेके मैंने फिर फ्रिल बनाई है। कमीज के चाक पे मैंने बॉर्डर का कपड़ा लेके बारीक सी पट्टी बनाई है और वो मैंने बैक और फ्रंट दोनों चाक पे ये डिजाइन किया हुआ है। पूरी शर्ट कुछ इस तरह दिख रही है जो बहुत ही अच्छी लग रही है और पहनते हुए भी बड़ी प्यारी लगती है। इसकी मैं आपको शलवार दिखाती हूँ। मैंने इसकी सिंपल शलवार बनाई है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये प्रिंटेड शलवार थी, ये दोनों 2 पीस प्रिंटेड थे, आस्तीन में एम्ब्रॉयडरी हुई थी। इसकी मैंने शलवार में कोई डिजाइन नहीं बनाए क्योंकि ये शलवार प्रिंटेड है और डिजाइन डिजाइन का कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये मैंने 2 पीस लिया था, अब शलवार और कमीज थी, इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं था, तो मैंने जो निशात लीलन में फ्रीडम सूट्स मिलते हैं, तांग में जो 3 पीस सूट मिलते हैं, उसके साथ मैंने कोई दुपट्टा किसी और सूट का दुपट्टा मैंने लिया है और इनके साथ कंट्रास्ट किया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही जबरदस्त कंट्रास्ट इस सूट के साथ मिल रही थी, ये देखे। और इसमें कोई ब्लैक कलर वो नहीं था तो मैंने इसके साथ बेबी पी को ब्लैक कलर में किया। और इस दुपट्टे की मटेरियल जो है वो नेट कॉटन की है जो आजकल का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ये मैंने गोल गला बनाया है, इस तरह का डिजाइन बनाया है और ये बिल्कुल पाइपिंग की हुई है, बारीक बॉर्डर की पट्टी लेके पाइपिंग की है, दरमियान में कट करके ये वाला डिजाइन बनाया है, ये देखे। और इसके दरमियान में इस तरह के बटन मार्केट में बहुत चल रहे हैं आजकल, ये बनाए हैं, ये देखिए। ये तो मैं अपने पहले सूट में दिखा चुकी हूँ कि इस आस्तीन पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, चूंकि ये उसका दूसरा सूट है जो मैंने पहले ही कहा था कि मैंने 2 सूट लिए थे, वो सिर्फ आइडिया में दे रही हूँ कि मैंने किस तरह इसका दूसरे सूट का डिजाइन किया हुआ है। यहाँ मैंने फ्रिल नहीं बनाई, जो पहले सूट में मैंने फ्रिल बनाई थी, यहाँ पे मैंने बारीक सी बॉर्डर की पट्टी लेके ये सिंपल डिजाइन बनाया है। ये पूरी शर्ट जो है वो मैंने कुर्ते स्टाइल में बनाई है और ये आस्तीन जो है ये मैंने कुर्ते स्टाइल में कट किए और कुर्ते स्टाइल में बनाई है जो आजकल इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पहनते हुए भी इसकी फिटनेस और वो बहुत ज्यादा अच्छी है आम कमीज से, ये देखे। ये मैंने इसके बॉर्डर का कपड़ा लेके, अब जो फुल बॉर्डर का कपड़ा मैंने जो लिया है, पहले शुरू में मैंने वो थोड़े थोड़े करके बॉर्डर का कपड़े काट के मैंने वो लगाए हैं, ये फुल बॉर्डर का जो कपड़ा था ये मैंने लिया है और इसके दामन पे लगाया है। अब इसकी मैं बैक बता रही हूँ जो मैंने किस तरह की है। बैक पे फ्रंट पे चूंकि मैंने फुल दामन तक उसकी पट्टी बनाई थी और बैक पे मैंने सिर्फ जहां तक आस्तीन है उनकी पट्टी बनाई है। ये पूरी शर्ट कुछ इस तरह दिख रही है। पहले सूट का तो मैंने मुकम्मल सूट बनाया शलवार कमीज, और दूसरे का मैंने कुर्ती बनाई है शर्ट की, और इसकी शलवार की दूसरी की कुर्ती जो बनाई है उसका शलवार का कपड़ा लेके मैंने ये लॉन्ग फ्रॉक बनाया है, ये देखे। इसके बॉडी पे मैंने ये बॉर्डर पे साइड पे डिजाइन बनाया है और दरमियान में मैंने खुद ही डोरी बनाई है 2 कंट्रास्ट कलर में।
ये देखें, ये डोरी के एंड पे मैंने ये शीशे के टसल बनाए हैं। देखें ये दोनों साइड पे मैंने शीशे लगाए हैं और साइड पे मैंने वूल लेके उस पर ये शीशे बांधे, डिजाइन बनाए हैं। और ये छोटे छोटे टसल लेके येलो कलर में, ये देखें छोटे छोटे टसल लेके मैंने इसी के साथ डिजाइन। ये देखें, ये मैंने नीचे लॉन्ग फ्रॉक बनाई है जो बॉडी के नीचे फुल फ्रिल किया हुआ है, और ये बॉर्डर का कपड़ा लेके इसके मैंने दामन बनाए हैं। ये भी फुल बॉर्डर का कपड़ा मैंने लिया है और दामन लगाए हैं। ये पीछे भी इसी तरह, बैक पे भी है, और ये इसकी आस्तीन बनाई है और बॉर्डर का कपड़ा लेके ये डबल डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने छोटा सा कपड़ा काट के लिया हुआ है और यहाँ पे फुल बॉर्डर का कपड़ा लेके मैंने इसकी आस्तीन बनाई है, और दिखने में ये कुछ इस तरह लग रहा है। अब इन दो शर्ट्स के साथ मैंने बिल्कुल प्लेन दुपट्टा लिया हुआ है ब्लैक कलर में, और इसके साथ आप कोई ब्लैक पजामा भी पहन सकते हैं, कोई भी पजामा कंट्रास्ट में भी पहन सकते हैं। और मैंने इसके साथ दोनों के साथ ब्लैक पैंट ली हुई है जीन्स की। ये मैंने क्रिंकल शिफोन दुपट्टा लिया हुआ है ब्लैक पैंट और प्लेन कलर में, और उसको मैंने लेके ये देखे, ये मैंने लेस बनाई हुई है पाइपिंग की तरह। ये मार्केट में जो पाइपिंग करते हैं वो बना देते हैं